आपका ये स्क्रब रेडी हो चुका है, बस आपको इसको पैनल को निकाल देना है, उसके बाद आसानी से आपको इसको उठा देना है। तो आप देख सकते हैं ये किचन एक्सपर्ट का आपको ये माल रेडी होकर के तैयार हो गया। तो आप मैं बात करता हूँ कि इसको मार्केट में सप्लाई कैसे करें। तो आप हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आता हूँ, तो मैं इसी बिहाफ पे आपको एक नया बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे पास है ये बिजनेस जो है वो बहुत ही कारगर और बहुत ही मार्केट में चलने वाला बिजनेस है। इससे आप मतलब हर एक दिन की लाखों की कमाई कर सकते हैं, बोले तो आप इससे पैसा भी छाप सकते हैं। तो मैं इस मशीन के बारे में जो बताने वाला हूँ वो है आपका ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, जो आप घरेलू यूज़ में महिलाएं यूज करती हैं, जैसे बर्तन धोना हो गया या फिर बर्तन को साफ़ करने वाला हो गया। तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, जो आपका जो जूना होता है या फिर जो आपका स्टेनलेस स्टील का जो बना होता है वो उससे आसानी से जो औरतें घरेलू औरतें हैं वो बर्तन को साफ़ करती हैं। तो उसी बिजनेस के बारे में आज आपको वो मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ ये मशीन के पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, जूना पैकिंग मशीन जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या सिस्टम है आपको मैं बता दूं कि ये हमारे पास डाई लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं ये आपका 12 ब्लिस्टर एक साथ पैक होने वाली मशीन है, और वो भी मैनुअल मशीन है। तो सबसे सस्ता और अच्छा में सबसे मतलब अगर आप चाहे तो इसको आप अपने घरेलू उद्योग से शुरू कर सकते हैं, वो भी सबसे सस्ते दामों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 हमारे पास कटोरी है, इसमें आपका कटोरी लग जाता है। उसके बाद जो भी आपका स्क्रबर का जो आपका जूना होता है वो आपको एक एक करके डालना होता है। तो आप देख सकते हैं ये है मैनुअल मशीन। मैं आपको बता दूं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए पहले आपको ये मेन स्विच से आपको पावर देना होगा कंट्रोल पैनल में। ये आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप अपने सीट के अकॉर्डिंग इसको टेम्परेचर दे सकते हैं, जैसे 70 डिग्री 80 डिग्री जो भी हुआ तो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन में कुछ करना नहीं है, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है पहले आपका ये जो है कटोरी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के कटोरी आते हैं, जो जिसको बोलते हैं ब्लिस्टर। तो इसी के अंदर जो जूना होता है, जो आपका मशीन में जो यूज़ होने वाला या फिर बर्तन मांजने में जो यूज़ होने वाला होता है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। इस तरीके का आपको ये जूना आता है जिसको बोलते हैं SS स्टेनलेस स्टील में होता है। ये 10 ग्राम का होता है। इसमें भी बहुत सारे मार्केट में क्वालिटी होते हैं, जिस टाइप का आपको अपना रेट देना है तो उस टाइप को आपको ग्राम बढ़ाना होगा, 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम जूस टाइप का। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ब्लिस्टर को जो कप है, ये जो कटोरी दिख रही है, इसमें बस आपको इसकी साइज को हल्का सा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद इसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है आपको, एक एक करके इसमें डालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका मशीन में ये है, मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आपको सारे मशीन में डाल देना है, इस तरीके से ये फिल हो जाता है। फिल करने के बाद आपको करना क्या है कि इसको टेम्परेचर दे देना है, जितना आपको जैसे 10 से 15 मिनट ये मशीन टेम्परेचर में लेती है। उसके बाद जैसे ये हीट हो जाता है आपको बस जो पैकिंग है उसको करके मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको ऑपरेट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता, इस तरीके से डाल देना है। ये डालने के बाद आपको पूरे बराबर कर लेना है, और उसके बाद करना कुछ नहीं है आपको, इसको बस पुल कर देना है। पुल करने के बाद आपके पास ये हैंडल होता है जो मैनुअल होता है, ये हैंडल को बस आपको ऐसे करके आपको जस्ट पूरे अंदर तक करके और ये जस्ट प्रेस कर देना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको छोड़ देना ये लीवर को, बस आपका स्क्रबर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट में आपका ये स्क्रबर रेडी हो चुका है, बस आपको इसको पैनल को निकाल देना है, उसके बाद आसानी से आपको इसको उठा देना है। तो आप देख सकते हैं ये किचन एक्सपर्ट का आपको ये माल रेडी होकर के तैयार हो गया। तो आप मैं बात करता हूँ कि इसको मार्केट में सप्लाई कैसे करें। तो आप देख सकते हैं एक सीट में 12 स्क्रबर पैक होकर के आपके सामने रेडी है। तो इसको मार्केट में अगर लेके जैसे होलसेल रेट में अगर आप देते हैं तो ये 45 to 48 रुपीज़ का एक सीट बन जाता है, और आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट रख करके आप मार्केट में किसी भी रेट में आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक जो जूना होता है वो 10 रुपये का नॉर्मली बिकता ही है, अगर आप होलसेल में दें चाहे रिटेल में दें तो आपको वो बिकना ही बिकना है। तो इसकी जो रॉ मटेरियल होती है वो भी मैं आपको सारा ये प्रोवाइड करता हूँ।
जो रॉ मटेरियल हो गया वो आपको हमारे यहाँ सारा मिल जाएगा। तो और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रॉ मटेरियल किस टाइप का होता है और कहाँ से ले सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक और हमारे पास एडवांस मशीन है जो ये है आपका, ये भी आपका स्क्रबर पैकिंग मशीन है। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोलिक के थ्रू प्रेशर से ये आपका सीलिंग करता है। तो इसमें सीलिंग भी बेस्ट होती है और ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें आपको कोई मैनुअली चीज़ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन अधिक करना है तो ये मशीन भी हमसे आप ये ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको रॉ मटेरियल की तरफ ले चलता हूँ कि रॉ मटेरियल किस टाइप का होता है। तो आपको हमारे पास रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये है एसएस की रॉ मटेरियल और ये आपका कटोरी, ये दोनों आपको मिल जाएगा हमारे पास। और इसके बाद आपको ये जो सीट है, इस टाइप के आपको सीट जो है वो आपको हमारे पास आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। तो ये सीट भी आपको हम दे देंगे, रॉ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे चीज मिल जाएंगे। बस इस तरीके से कर करके आपको घरेलू उपयोग में घरेलू बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ये मशीन हमसे ले सकते हैं और हमारे दिए स्क्रीन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके इस मशीन को बुक करवा सकते हैं। तो हमारा जो आपका ये जो कंपनी है वो है हमारा रामगढ़ झारखंड में, और जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो रामगढ़ में भी है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नोएडा में भी है। तो आप कहीं से भी इस मशीन को परचेस कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भारत को हमें बढ़ाना है और आगे तक ले जाना है। तो हमारा रोज़गार और आपका रोज़गार जब स्टार्ट होगा, जब हम अगर आप मिलकर हाथ मिलाते हैं तभी ये आपका भविष्य बनाएगा और आपका रोज़गार में बहुत सहायता करेगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और तब कमेंट भी कर दें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें।